हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने एमपीबी करप्शन एंड ओवर बिलिंग के ऊपर बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एमपीबी किस तरह से अपनी दादागिरी और भाईगिरी दिखाती है। मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम एक उपभोक्ता हैं। हम जब भी किसी समस्या को लेकर के कोई कंप्लेंट करते हैं तो हमारे साथ, मतलब एक नॉर्मल उपभोक्ता के साथ, इस तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे हमने कोई गलत काम किया। आज की वीडियो बनाई है मैंने एमपीबी के गुमास्ता नगर जोन के लिए। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि मेरी पिछली जो वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरा 60,000 रुपये का बिल आया था, उसके बाद मैंने कैसे एक एक करके टोटल जो इनके ऊपर 8 वीडियो बनाई थी जिसमें इनके मैंने सारे घोटालों के बारे में बताया था। उसके अलावा जितनी मैंने कंप्लेंट करी थी और इसके अलावा जितनी मेरे इनके कर्मचारियों की कॉल रिकॉर्डिंग थी, अधिकारियों की कॉल रिकॉर्डिंग थी जिसमें वे कबूल कर रहे थे कि किस तरह से क्या किस एम्प्लॉय की गलती है, उसके ऊपर जो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी। आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ इंदौर एमपीबी गुमास्ता नगर जोन के लिए। इसमें आपको मैं ये बताऊँगा कि मैंने जैसे ही सीएम हेल्पलाइन में इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करी तो किस तरह से इन्होंने बदले की कार्रवाई की। जब मैंने कंप्लेंट करी सीएम हेल्पलाइन में तो इन्होंने लोड चेक करने के लिए जब मैंने आप एक किसी बंदे को पूछा आया तो उस बंदे ने जब मेरे घर के का लोड चेक करने आया तो घर के जितने भी चालू सामान हैं उसके अलावा हमारे छत पे जितने भी पड़े हुए जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट और बहुत सारे ऐसे पेरिफेरल्स थे जिनको हमने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है, लगभग साल 2 साल 3 साल से वो छत पे अटाले में पड़े हुए हैं, उनका तक लोड लिख करके लेके गए हैं बदले की कार्रवाई करने के लिए कि हमने सीएम हेल्पलाइन पर इसकी कंप्लेंट करी थी। और जो है इनकी रिपोर्ट में मेरे घर के ऊपर दोनों मंजिल का टोटल इन्होंने बना करके लगभग 8,500 किलोवाट का, सॉरी 8,000 वाट का इसमें लोड बना, 8,421 वाट का। ये देखिए, ये सीएम हेल्पलाइन की मेरी पहली कंप्लेंट है जिसमें इन्होंने 8,421 वाट का लोड दिखाया है। इसके बाद में मैंने सीएम हेल्पलाइन में एक और कंप्लेंट करी, उसमें भी इन्होंने लगभग इसके मिलते जुलते आसपास का ही लोड बनाया इसमें, जिसमें कि इस कंप्लेंट में हमने था मेंशन किया था कि जब तक हमारा संतुष्टि ना हो ये कंप्लेंट बंद ना करें, पर इन्होंने एमपीबी कर्मचारियों ने मिली भगत से इसको बंद कर दिया है। इसमें लास्ट में लिखा हुआ निराकरण कर दिया गया है, वह इससे उपभोक्ता संतुष्ट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो ये इनकी जो दादागिरी है इसमें दिख रही है कि किस तरह से जो कंप्लेंट है बिना कंज्यूमर की बिल्कुल संतुष्टि से इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद में फिर मैंने एक कंप्लेंट और करी, इसमें भी इन्होंने यही लगभग उसी के आसपास का लोड इन्होंने जो है उसके अंदर दिखाया है। उसके बाद में फिर मैंने कंज्यूमर फोरम में इनकी कंप्लेंट करी है। कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करने के बाद गुमास्ता नगर जोन के जेई मिस्टर पवन पाटीदार आए, उन्होंने एक बार फिर से दोनों मंजिलों का लोड चेक करा और इस बार आपको यकीन नहीं होगा कि इस बार उनने खुद ने 5,591 वाट का लोड की रिपोर्ट बनाई। उसमें भी इन्होंने एक गलती करी कि हमारे घर की जो बोरवेल की मोटर है वो इन्होंने 3 HP 2200 वाट की लिखी है, जबकि वो 1.5 HP 1100 वाट की है। तो सीधे सीधे इन्होंने जो है इसके अंदर भी 1100 वाट ज़्यादा लिखा है। तो इनकी अगर इस रिपोर्ट को भी मैं देखूँ तो इसके अंदर 4,491 वाट का लोड है, मतलब कि इनकी जो पिछली रिपोर्ट थी 8,500 वाट की थी, फिर उन्होंने 5,500 वाट की बनाई जिसमें से इन्होंने 1100 वाट का ज़्यादा लिखा, तो मतलब टोटल 4,500 वाट का लोड इन्होंने ज़्यादा बताया। अगर ये जो जितनी भी मैंने आपको ये जो रिपोर्ट बताई है, एक जो ये मेरी सीएम हेल्पलाइन वाली रिपोर्ट है, उसके बाद में फिर ये जो मेरी कंज्यूमर फोरम में जो मैंने कंप्लेंट करी थी उसके ऊपर जब इन्होंने रिकॉर्ड बनाए, ये दोनों ही रिपोर्ट देखकर ऐसा लगता है कि आप इनको, मतलब ये जब पहले झूठ बोल रहे थे या अभी झूठ बोल रहे हैं। आप इनकी दोनों रिपोर्ट को देखिए, मैं स्क्रीन में एडिट करके आपको दिखाऊंगा। ये जो एक 8,421 वाट की है, उसके बाद में एक जो रिपोर्ट इनकी 5,491 वाट की है जिसमें से भी 1100 वाट ज़्यादा लिखा है, 4,491 वाट इसके होते हैं। तो ये पहले झूठ बोल रहे थे या अभी झूठ बोल रहे हैं, इनकी दोनों ही रिपोर्ट में झोल है। मैं दोनों ही रिपोर्ट को गलत साबित कर सकता हूँ। ये दोनों ही रिपोर्ट में दोनों ही रिपोर्ट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। ये दोनों ही रिपोर्ट जो है किसी भी तरह से इन्होंने सही तरीके से नहीं बनाई है। दोनों ही रिपोर्ट में पूरा 50% का डिफरेंस है, बिल्कुल डबल है। ये 4,500 वाट की है, 8,500 वाट की। आप समझ सकते हैं किस तरह से काम करते हैं लोगों, किस तरह से डराने का काम करते हैं और बदले की कार्रवाई करते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं
किस तरह से एमपीबी के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये किस तरह से काम करते हैं, और जब हम किसी भी बड़े अधिकारी से या बड़े लेवल पे जब इनकी कंप्लेंट करते हैं तो ये बदले की कार्रवाई करते हैं कि आपके घर में ज़्यादा लोड दिखाना होता है। ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम 12 महीने यूज़ नहीं करते हैं, कि किसी चीज़ को हम ठंड में यूज़ करते हैं, किसी को गर्मी में यूज़ करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको हम कभी यूज़ ही नहीं करते हैं, वो हमने बस ऐसी खरीद के रखी हुई है, या जिनको कि हमें कोई किसी ने गिफ्ट में दी हुई है, तो कभी कभार हम उसको चलाते हैं, पर मोस्टली हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। पर फिर भी एमपीबी का प्रोसीजर ऐसा है कि जब भी किसी तरह की कोई भी आप जब किसी बड़े अधिकारी से या बड़े पद पे जब कोई कंप्लेंट करते हैं तो ये आपसे बदले की कार्रवाई करते हुए इस तरह के ही लोड चेक करते हैं। इनके लोड चेक करने का प्रोसीजर ऐसा है कि जब भी आपके घर में लोड चेक करने आते हैं तो आपके घर में जितनी भी चीज़ें पड़ी रहती हैं उसका A to Z ये लोड लिख करके लेके आते हैं, भले आप उस चीज़ को यूज़ करें या ना करें। इनके हिसाब से आपने आपके घर में कोई चीज़ है तो आप उसको यूज़ करते होंगे, ये इनका ऐसा मानना है। तो जब भी आपके घर पे इस तरह के कभी कोई लोड वगैरह चेक करने की रिपोर्ट बनाने आते हैं तो वो आपकी हर एक एक चीज़ का लोड लेकर के जाते हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा जो लगभग बहुत कम लोग जानते हैं, कि होता ये है कि आजकल जो डिजिटल मीटर यूज़ करते हैं जो इनके, इसमें रीडिंग के साथ साथ में जो है आपको उसमें वॉट का भी मीटर दिखता है, ये चेंज होता रहता है कुछ कुछ सेकंड में आगे पीछे होकर के, ये यूनिट और वॉट दिखाता है। तो इसमें जब भी आप अपने घर की चीज़ का लोड अगर चेक करेंगे तो कभी 200 आएगा, कभी 250 आएगा, कभी 300 वॉट आएगा। मीन्स कि मतलब आप उस समय क्या क्या, आप जैसे आपके घर में अगर 3 से 4 कमरे का मकान है तो एक लाइट जल रही होगी, 2 लाइट जल रही होगी, 3 लाइट जल रही होगी, या एक पंखा चल रहा होगा, या हो सकता है टीवी चल रही हो, मोबाइल का चार्जर चल रहा हो, तो एक नॉर्मल सा आपका एक उन्हीं के मीटर में जो इन्होंने एमपीबी ने लगाया उसमें आप देखेंगे तो 200 300 350 के आसपास का ये लोड दिखाई है। कभी भी आपके घर में ऐसा नहीं होगा जैसे अब ये मेरे घर पे 8,500 वाट का लोड लिख करके लेके गए, तो ऐसा किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि उस समय मीटर में 8,000 या 7,000 वाट का लोड आपको दिखे, ये किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि एक साथ सभी चीज़ों का लोड एक साथ उसमें आ रहा हो। लेकिन जब भी ये आपके घर पे अगर लोड चेक करने के लिए कभी आएंगे या किसी भी तरह की रिपोर्ट बनाने आएंगे तो आपके घर में एक एक चीज़ का लोड लिख करके लेकर के जाएंगे। तो मैं आपको इस ये वीडियो के माध्यम से मैं जागरूक करना चाहूँगा कि इस तरह से जब भी हम किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट करते हैं तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, हम कंज्यूमर हैं, हम उपभोक्ता हैं इस चीज़ के, अगर इस तरह की कोई भी समस्या आएंगी तो हम इन्हीं लोगों से कंप्लेंट करेंगे, तो हमको इनसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक स्वाभाविक सी बात है, अगर इनसे कोई किसी तरह की कोई खामी होती है, कोई गलती होती है, तो ये उल्टा हमें ही डराते हैं। तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि आप अपने अधिकार जानें और इनके जितने भी जो ऐसे ये जो बदले की कार्रवाई करते हैं उससे थोड़ा उसको लेकर के थोड़ा जागरूक रहिए, और इस तरह की इनकी जो भी गलतियाँ होती हैं उसको आप थोड़ा ध्यान में रखिए। और मैंने इससे पहले जितनी भी वीडियो बनाई हैं उसमें पूरा जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, मैंने हर जगह में जैसे जोन से लेकर के एमपीबी का जो मेन हेड ऑफिस है यहाँ पे पोलो ग्राउंड, वहाँ पर किस तरह से कंप्लेंट करी, सीएम हेल्पलाइन में मैंने 3 कंप्लेंट करी थी, उसके अलावा लिखित कंप्लेंटों की मेरी और मतलब इतनी सारी कंप्लेंट हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। मैंने सीएम, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा सचिव, ऊर्जा सेक्रेटरी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी मैंने इसके ऊपर बहुत सारी कंप्लेंट लिखी। आज से 3 महीने पहले की बात है जब से मेरा ये पूरा प्रकरण जो है चालू हुआ था, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद भी मैं एक एक करके मैं हर जगह मैंने इनकी कंप्लेंट करी। उसके बाद में मुझे धीरे धीरे करके जितनी समस्याओं को अनुभव करने के बाद समझ में आया कि इनका काम किस तरह से चलता है, और इसलिए मैं ये एक एक करके जो है आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि जिससे परेशानी मुझे उठानी पड़ी ऐसी और किसी को ना उठाना पड़े, और ऐसे ही मैं आगे आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करते हैं और आपको इनसे बचने के लिए क्या करना है, मैं आपको इसके आगे की वीडियो में सब बताऊंगा। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है एमपीबी करप्शन एंड ओवर बिलिंग के ऊपर, उससे अगर आपको किसी तरह का कोई फ़ायदा हुआ हो या किसी तरह की कोई जानकारी मिली हो या आपकी किसी तरह की समस्या का समाधान हुआ हो
तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरी बनाई हुई वीडियो से किसी का अगर फ़ायदा होता है, या अगर किसी ज़रूरतमंद को, या कोई ऐसा बंदा है जिसको मेरे जैसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है या ऐसे मिलती जुलती, तो प्लीज़ आप उसको मेरी वीडियो शेयर करिए। और आपको किसी भी तरह की कोई मुझसे मदद की ज़रूरत है या कोई जानकारी आपको इस बारे में लेना है, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। एनी टाइम आप कभी भी मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगी मेरी ईमेल आईडी, आप मुझे इस पर ईमेल कर सकते हैं, या मेरी जो मैंने वेबसाइट बनी है इसके सपोर्ट के लिए mpbcorruption.in, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसमें मेरी पूरी डिटेल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।